हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जॉर गेट के बारे में। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने नॉर गेट, नैंड गेट वगैरह देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सॉर गेट। ठीक है, कौन सा? एक्सॉर गेट। ठीक है, इसको हम लोग और क्या पढ़ते हैं, इसको और एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और गेट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है, कैसे ये फंक्शन करता है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एक्सक्लूसिव और गेट के बारे में क्या है, तो ये भी इट हैज ऑल्सो टू और मोर इनपुट्स बट ओनली वन आउटपुट, है ना? वो तो होगा ही होगा, उसमें अभी कोई नो डाउट है। लेकिन इसमें काम कैसे होता है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि द आउटपुट ऑफ एक्स और यानी एक्सक्लूसिव और गेट, है ना, गेट इज हाई। आउटपुट इसका हाई होगा, हाई ओनली व्हेन इट्स इनपुट्स ठीक है आर डिफरेंट। इट्स इनपुट्स आर डिफरेंट, है ना, इनपुट्स वैल्यू क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे 0 1 1 0 इस तरह से अगर डिफरेंट होंगे तो आउटपुट हमेशा क्या निकलेगा, हमको हाई मिलने वाला है। लेकिन यही अगर सेम होगा, है ना, यानी कि अदरवाइज, है ना, इफ अदरवाइज इट्स आउटपुट इज लो, अदरवाइज इट्स आउटपुट इज लो व्हेन व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम, यानी कि अगर 1 1 होगा या 0 0 होगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो लो हो जाएगा, यानी कि 0 रिप्रेजेंट करेगा। लो मीन्स 0 और हाई मीन्स 1। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सॉर गेट का डेफिनेशन। अभी एक्सॉर गेट रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो इफ इनपुट सिग्नल्स आर रिप्रेजेंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन आउटपुट इज रिप्रेजेंट, है ना, रिप्रेजेंट बाय y इज इक्वल टू ए एक्सोर के लिए ये सिंबल यूज होगा, है ना, प्लस और उसके चारों तरफ से सर्कल, यानी सर्कल के बीच में प्लस, ए एक्सोर बी। अभी ए एक्सोर बी किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए एक्सोर बी किस किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रुथ टेबल। देखिए, ट्रुथ टेबल अगर इसका हम बनाए तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि हमारे जो इनपुट है ए है और बी है ये, और आउटपुट में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आउटपुट में ए एक्सोर बी। बट हम आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ये पूरा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमको कैलकुलेट करना होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना होगा, देन ए कॉम्प्लीमेंट बी कंप्यूट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट बी मतलब इसके बीच में डॉट है, देन हमको ए और बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना होगा, देन इन दोनों को प्लस करना होगा, इनके बीच में भी डॉट है, फिर हमको करना क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, यही हमारा मेन आउटपुट है। ठीक है, इसी चीज को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ए एक्सोर बी, ठीक है, याद रखिए ए एक्सोर बी भी हम इसको बोलते हैं। तो इसको हम अब देखते हैं, ये हमारा रिजल्ट है वाई इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो अब हमारे पास टू इनपुट्स हैं, तो इनपुट क्या क्या है, तो हमको क्या क्या इनपुट मिलेगा, 1 1 1 0 क्या मिल जाएगा, दूसरा इनपुट क्या मिलेगा हमको,
हमें वन और जीरो, दूसरा तीसरा कॉम्बिनेशन जीरो वन और लास्ट और फाइनल कॉम्बिनेशन जीरो जीरो। तो डेफिनेशन के अनुसार क्या कहता है कि हमारा अगर डिफरेंट होगा, यानी कि इफ आउट इनपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट इज हाई, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि वैसा आता है कि नहीं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का जो बिट वन है उसको जीरो करना है और जो जीरो है उसको वन, यानी जो हाई है उसको लो, ठीक है, और जो लो है उसको हाई। इसी तरह बी के कॉम्प्लीमेंट में भी वही सेम चीज होगा, जो हाई है उसको लो और जो लो है उसको हाई, ठीक है। अब यहाँ डॉट निकालना है, डॉट यानी कि एंड गेट, एंड यू ऑपरेशन होगा बिटवीन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, इन दोनों के बीच में डॉट ऑपरेशन होगा यानी कि एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन कहता है इफ एनी वन इज जीरो देन जीरो, तो यहाँ पर तो जीरो ही हो जाने वाला है क्योंकि एक इनपुट जीरो, यहाँ दोनों ही जीरो है, यहाँ पर दोनों हाई है सो आउटपुट हाई होगा, और यहाँ पर दोनों क्या हो गया जीरो, जीरो और वन जीरो, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमको ए और डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस लाइन का है ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का, इस कॉलम का हमको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो वन डॉट जीरो इज जीरो, वन डॉट वन इज वन, जीरो डॉट वन, जीरो डॉट वन इज जीरो, ठीक है, जीरो डॉट जीरो इज जीरो, सॉरी ये जीरो डॉट जीरो था यहाँ, ठीक है, तो जीरो ही हो गया, और जीरो डॉट वन तो एक भी जीरो तो जीरो ही, तो ये दोनों तो टर्म जीरो ही होने वाले था, इन दोनों टर्म में ये डिपेंड कर रहा था इन पर, तो यहाँ ये पहला जीरो कर दिया, दूसरा वन हो गया। अब इन दोनों का प्लस करना है, तो प्लस में क्या होता है कि इफ एनी वन इज हाई देन हाई, तो यहाँ पर देखिए इसमें एक हाई है, इसमें भी एक हाई है, बट यहाँ पर हमारे पास दोनों क्या निकल जाएगा लो बिट। तो हमारा जो डेफिनेशन था यही कह रहा था कि इफ सेम इनपुट अदरवाइज, यहाँ था ना इफ इट्स आउटपुट इज लो, आउटपुट इज लो इफ बोथ इनपुट्स आर सेम, तो यहाँ बोथ इनपुट सेम है तो हमारा आउटपुट क्या हो जा रहा है लो हो जा रहा है। फिर यहाँ पर भी देखिए बोथ इनपुट सेम है जीरो जीरो, तो आउटपुट क्या हो जा रहा है लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ डिफरेंट है हमारे पास, यहाँ देखिए इन दोनों केस में हमारे पास क्या है डिफरेंट है, तो आउटपुट क्या हो जा रहा है हाई हो जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सओआर गेट, ठीक है। अब इसका हम ट्रूथ टेबल देखते हैं, सॉरी लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम हम इसका बनाते हैं। तो लॉजिक डायग्राम में क्या हो जाएगा, हमारे पास तीन इनपुट्स हैं ए, ठीक है, ए का हमको सिंपल ए भी चाहिए और ए का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो हम यहाँ से ये ए का हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हमने ए का लाइन ड्रॉ कर लिया ये, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये नॉट गेट से पास होते ही ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें भी हमको ये हम सर्किट बना लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हमने क्या ले लिया बी, और ये रहा हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इन दोनों को भी हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सी, दो ही है। अब इन दोनों से हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट बी का डॉट, तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, यहाँ से हमने सिग्नल को जोड़ा वायर और इसको हम आगे ले गए, ये लूप हम लगा रहे हैं ताकि पता चले कि ये पीछे से आ रहा है वायर, और यहाँ पर हम ए कॉम्प्लीमेंट ले आए, और फिर हमको लाना है बी, सिंपल बी, तो यहाँ है बी, ठीक है। तो इसे हम कनेक्शन किए और इसका क्या निकालना है डॉट, तो डॉट यानी कि एंड गेट, तो ये एंड गेट से पास होगा है ना, ये हमारा क्या पास हो रहा है एंड गेट से, और यहाँ पर हमको क्या निकलेगा, तो जो इनपुट हुआ उसका डॉट, तो इनपुट हुआ ए का कॉम्प्लीमेंट और डॉट बी, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यहाँ से आ जाएगा, ये रहा हमारा सिग्नल ए, ठीक है, ये हमारे पास ए आ गया, और बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट तो यहीं से हमको मिलने वाला है, तो ये हम बी का कॉम्प्लीमेंट लाए, इसको भी हमको पास करना है एंड गेट से, तो ये हमने पास कर दिया एंड गेट से, एंड गेट से पास किए, तो यहाँ से आ रहा है ए,
और यहाँ से इनपुट हो रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के पास के बीच में हमको क्या करना है, और ऑपरेशन, तो यहाँ पर हम और गेट लगा दिए एक, ठीक है, ये हमारा और गेट लग गया, ठीक है। और गेट में पहला इनपुट क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट बी, दूसरा इनपुट क्या हुआ, ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ आउटपुट रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास, वाई इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट इसको कैसे लिखते हैं, ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी, समझ में आया, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट इज ए एक्सोर बी। अब हम हमेशा एक्सोर के लिए इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे, हमेशा क्या होगा, इतना बड़ा हम डायग्राम नहीं बनाएंगे हर बार, तो इसका एक छोटा सा डायग्राम है, जैसे नॉर का था और नैंड का था ना छोटा डायग्राम, उसी तरह एक्सोर के लिए भी हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, और वो डायग्राम है कुछ इस तरह से, हमारे पास ये हमको ऐसे बनाना है, फिर एक और ऐसे लाइन खींचना है, दो दोनों में डिफरेंस होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, अलग अलग होगा, और फिर ये एक इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ दो इनपुट, ठीक है, ए और बी, और यहाँ हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, बट हम इसको क्या कहते हैं, ए एक्सोर बी, ठीक है, ये हमारे पास एक्सोर का सिंबल हो गया, समझ में आया। तो इतना बड़ा सर्किट ना बना के हम इसको इतने छोटे सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये था एक्सोर गेट, आपको समझ में आ गया, इसमें सारा इसका मैंने ट्रू टेबल और लॉजिक डायग्राम दोनों अच्छे से समझा दिया। अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो है हमारे पास एक्सनोर गेट, इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा कॉपी में अपने नोटबुक में, अब इरेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोर गेट, क्या है, एक्सनोर गेट, अब ये क्या है, तो इसके बारे में तो सिंपल सा है हमारे पास डेफिनेशन, इट इज द कॉम्प्लीमेंट, इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सोर गेट, है ना, इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सोर गेट, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, इट इज प्रोनाउंस्ड, इट इज प्रोनाउंस्ड 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 बाय एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, है ना, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सोर गेट, इट इज प्रोनाउंस्ड बाय एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट इसको प्रोनाउंस करते हैं, एक्सनोर गेट को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसका हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कि द आउटपुट ऑफ एक्सनोर गेट, द आउटपुट ऑफ एक्सनोर गेट इज हाई ओनली वेन द लॉजिक, ओनली वेन द लॉजिक वैल्यू, अब देखिए सिंपल सा, ये एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट है, तो एक्सोर कहता था कि जब सेम होगा तो जीरो और डिफरेंट होगा तो वन, तो ये जस्ट अपोजिट कहेगा, ये कहेगा सेम अगर इनपुट है तो वन और डिफरेंट है तो जीरो, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ओनली वेन द लॉजिक वैल्यूज ऑफ बोथ इनपुट्स आर सेम, ठीक है, क्या कर रहा है, इसका हाई होगा, आउटपुट अब हाई होगा कब, तो जब बोथ इनपुट्स आर सेम, और यही एक्सोर कर रहा था कि बोथ इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज लो, और ये कहता है कि आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम, ठीक है, ये सेम पर हाई करता है वो लो कर रहा था, क्योंकि उसी का कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है, तो बोथ इनपुट्स आर सेम, ठीक है, और अदरवाइज इट्स आउटपुट इज जीरो, यानी कि लो, है ना, आउटपुट इज जीरो when its inputs are different, ठीक है, when its inputs are different, जब इसका इनपुट डिफरेंट होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो, और एक्सोर में था कि डिफरेंट होने पर हाई था,
ठीक है। तो इसका हम लोग अब ट्रूथ टेबल देखते हैं पहले। तो पहले इसका हम आउटपुट देख लेते हैं कि इफ बोथ इनपुट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी रेस्पेक्टिवली देन आउटपुट इज y इज इक्वल टू, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक XOR b का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरा का कॉम्प्लीमेंट, या फिर ये क्या है हमारे पास, और y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। इसको हम ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल में क्या हो जाएगा, तो इनपुट हम ले लेते हैं, इनपुट क्या है, ए ठीक है, बी ये भी ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास हम डायरेक्ट लिख देंगे ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट, बट हम डायरेक्ट ना लिख के इसको पूरा सॉल्व करके तब देखते हैं कि ये वैल्यू ऑफ दिस क्या यही सेम डेफिनेशन के इक्वल आता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, देन बी का कॉम्प्लीमेंट, देन हमारे पास ए डॉट बी, फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का डॉट, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का डॉट, और इसके बाद जो फाइनल हमारा रिजल्ट निकलेगा आउटपुट, यानी कि वाई इज इक्वल टू ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए एक्सनोर बी क्या, यानी कि ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ हम निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, अब इसका देखिए, जब सबसे पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन बनाना होगा, तो 1 1 1 0 0 1 और 0 0, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 0 1 1, यहाँ देखिए 0 0 1 1, अब बी का कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 1। अब हमको क्या करना है, ए डॉट बी करना है, तो ए डॉट बी यानी कि एक भी 0 तो 0, तो यहाँ पर हमको देख ये पहला वाला वैल्यू 1 होगा, बाकी में 0 हो ही रहा है, सो तीनों वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट का डॉट करेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का डॉट करेंगे, तो यहाँ पर भी सिर्फ यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, बाकी ये तीनों वैल्यू हमारे पास 0 आने वाला, बिकॉज यहाँ देखिए 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये तीनों वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का प्लस, तो यहाँ प्लस में एक भी 1 तो 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर इनपुट सेम है, इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट हमारा हाई हो जा रहा है, ठीक है, और अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट हमारा लो हो जा रहा है, ये लो हो जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या देख रहे थे, दोनों में हाई हो जा रहा था, हाई, ठीक है। तो ये था हमारे पास XNOR। अब इसका हम ट्रूथ टेबल देखते हैं, अरे सॉरी लॉजिक डायग्राम। तो लॉजिक डायग्राम हम कैसे बनाएंगे इसका, तो उसको चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमको दो इनपुट लेना है, तो दो इनपुट, एक इनपुट हो जाएगा हमारे पास ए, ठीक है, ए इनपुट, और इसका फिर कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक बी इनपुट होगा, है ना, बी का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, ठीक है, यानी यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया और यहाँ बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, सर्किट को मैं लाइन बढ़ा देते हैं थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर भी और इसमें भी, तो इस तरह से हमने ये दोनों बना लिया। अब इसमें हमको क्या करना है, आगे कंटिन्यू करते हैं, तो सबसे पहले ए और बी का डॉट चाहिए, तो हम यहाँ ए से एक सर्किट जोड़े लाइन और इसको हम लेकर आ रहे हैं आगे की तरफ, ये ए आ गया और बी चाहिए यहाँ से, तो हम ये बी हम यहाँ से जोड़े, है ना, और यहाँ से हम इसको लेकर आ रहे हैं आगे की तरफ, तो यहाँ आ गया ए और बी, इन दोनों को क्या करना है, डॉट, इन दोनों के बीच में क्या है, डॉट, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, डॉट यानी कि एंड ऑपरेशन से पास करें, एंड गेट से पास करेंगे, तो ए डॉट बी निकल जाएगा,
अब इसके बाद नेक्स्ट हमको ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहां से हमको वायर लाना होगा, तो यहां से हमने एक वायर लाया, ठीक है, और एक बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हमने यहां से बी का कॉम्प्लीमेंट से एक वायर ले आया, ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी हमको क्या करना है, डॉट, यहाँ क्या करना है, डॉट, तो ये हमारा एंड गेट से पास होगा, तो यहां पर निकल जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के बीच में करना है और, तो यहाँ पर हम और गेट लगाएंगे, ठीक है, और गेट, ये और लगा दिए हम, और इसमें पहला इनपुट क्या हो जाएगा ए बी, और दूसरा इनपुट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ आउटपुट क्या निकल जाएगा, तो ए बी वाई इज इक्वल टू निकल रहा है ये प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं ए एक्सटॉर बी, है ना, इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम हर बार इतने बड़े डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जैसे अभी हम एक्सोर के लिए छोटा एक डायग्राम हम देखे थे, उसी तरह इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम है, और हम उसी डायग्राम को हर बार यूज करने वाले हैं टू रिप्रेजेंट द एक्सनोर गेट। तो वो डायग्राम क्या है, तो उसके लिए हमारे पास ये है, इस तरह से हम दो बनाएंगे, दो लाइन, है ना, और यहां पर बना देंगे और, ठीक है, और यहां पर लगा देंगे नॉट, क्योंकि ये क्या है, एक्सोर और नॉट का कॉम्बिनेशन है, एक्सोर और नॉट का कॉम्बिनेशन है, तो ये हमारा इनपुट हो जाएगा ए और बी, और आउटपुट में हमको क्या निकल जाएगा, ये हमारा आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, ये इधर हमारा ये सब इनपुट है, ठीक है, तो आउटपुट में हमारे पास निकल जाएगा वाई इज इक्वल टू ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट, या ए एक्सनोर बी, या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरह से हमारा ये आउटपुट तैयार हो गया। तो ये था हमारा एक्सनोर गेट, ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको मैंने अच्छे से समझाया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर में एक्सोर और एक्सनोर। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में दोनों में से कोई भी एक गेट अगर अच्छे से समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, बट अगर अच्छा लगा, आपको वीडियो पसंद आया, आपको समझ में अच्छे से आया, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।